कि इंसान जानता है और उसका जानना जो है वो समझ लें कि एक ऐसे मकाम पर होता है, यानी मिसाल के तौर पर बहुत सारे जवान सवाल करते हैं कि हम जानते हैं और हम से ये गलती हो जाती है, फिर हम बहुत शर्मिंदा भी होते हैं और हम फिर तजर्रो भी करते हैं, हम खुदा की बारगाह में गिरिया भी करते हैं, और मगर कुछ अरसा गुजरता है और फिर उसके बाद हम दोबारा उस खता का शिकार हो जाते हैं। अब हम क्या करें इसमें, यानी पहचान भी रहे, एक तो वो वाली जहालत नहीं है कि नहीं पता जी, जी। ये पता है कि पता है ठीक है, अच्छा इल्म भी रखते हैं, दूसरी तरफ अपना भी उनको पता है कि खुदा भी इससे नाराज है, नाला है, लेकिन फिर भी इंसान तो वहां पर बहरहाल जो ऐसा लगता है, जो उलमा इकराम से भी हमने इस्तफादा किया और जो नजर आता है कि वहां जो इंसान गलती करता है वो उसका बहुत ज्यादा दुनिया के अंदर, चाहे वो दुनिया की आप डेफिनेशन को जितना डिफाइन कर लें जिस तरीके, उसके अंदर डूब जाना है। अब बाज़ औक़ात इंसान को पता है, मिसाल के तौर पर एक शख्स जानता है फजर की नमाज की अहमियत कितनी है, मुसलमान है, अच्छा ये भी नहीं है कि मौसम लापरवाह शख्स है, बाकी सारे काम अंजाम दे रहा है, कोशिश कर रहा है अपने वाजिबात सही करे, फजर की नमाज जो है वो कज़ा कर देता है। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि मौलान साहब सुबह जो है वो बड़ा मसला हो जाता है, अब उसकी एक वजह जाहिर है।